अहंकार का आलम देखिए। अभी थोड़े दिन पहले पुरी के अंदर, आप सब लोग जानते हैं पुरी में सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ मंदिर है कि नहीं है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इनके जो राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, पूरी ब्रह्मांड के नाथ, सृष्टि के नाथ, सृष्टि के भगवान। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगे। ये अब खुल के कह रहे हैं कि भगवान मोदी जी का भक्त है। इनका नारा क्या है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान हमको लाए हैं, रामचंद्र जी हमको, ये कह रहे हम भगवान को लाए हैं। इनमें इतना अहंकार हो गया कि भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए, इस सृष्टि के ऊपर भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए। हम तो यही कहते हैं ना कि भगवान ने हमें पैदा किया पृथ्वी पे, भगवान ने ये पूरी कायनात रची, भगवान ने ये सृष्टि रची। अब ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये सृष्टि रची। इस अहंकार का तो जवाब देना पड़ेगा। अब ये आम जनता को कुत्ते बिल्ली समझते हैं, ये आम जनता को कुछ नहीं, इंसान नहीं समझते ये आम जनता को दोस्तों। ये संविधान बदल देंगे, अगर ये तीसरा टर्म आ गया, ये दोबारा आ गया, ये संविधान बदल देंगे और सबसे पहले आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। शुरू से आरएसएस और बीजेपी और इनकी सहयोगी संस्थाएं रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, ये आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। आज मैं अपने लिए नहीं आया, इस देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं और आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि मान साहब के हाथ मजबूत कीजिए, मान साहब की सरकार के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर पंजाब की तरक्की कर सकें और देश को बचा सकें दोस्तों।